Good morning, chill people. सवेरा हो रहा है, इतना प्यारा प्यारा सूरज उग गया है आसमान पे और भाई साहब हमको लग रही है अच्छी खासी गर्मी। तो हम सो इस सुबह के इतने अच्छे सवेरे में वेलकम टू माई सिक्के एंड व्लॉग्स। तो अब तक तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता चल ही गया होगा सिक्के एंड का फुल फॉर्म है क्या। सो वही है कि आप देखोगे इन सिक्के एंड मैंने मेरी चैनल का नाम सिक्के एंड क्यों रखा है इस स्पीटी ट्रिप से। सो वही है, प्लान तो था रात को 2-3 बजे निकलने का, बट सब थके हुए थे, फ्लाइट से आए हुए थे। एक फ्रेंड था जो आया हुआ था कार से बेंगलोर टू दिल्ली, सो वही था कि सब जाके गए सो ही गए हैं। तो अभी ये प्लान है कि प्रतीक भाई लीड कर रहे हैं, प्रतीक भाई सिखा हुआ भी है उस बाइक पे जो R15 चला रहे हैं, पीछे जा रहे हैं बेबू जो चला रहा है यामाहा MT-15 जो है अपनी नई बाइक, पहले स्पीटी के लिए बाइक खरीदी है, पीछे जा रहा है जो चला रहा है थंडरबर्ड MT-15, मैं चला रहा हूँ यामाहा 15, पीछे आ रहा है अनी जो चला रहा है RS 200, वो भी नई बाइक है। तो वही प्लान था कि हम लोगों को, मतलब प्रतीक भाई को यामाहा वालों ने स्पॉन्सरशिप दी है MT-15 की, जो स्पीटी में सारे रास्ते पे जा सकती है, कैसा परफॉर्मेंस है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। जाके तो मैं ही एक बाइक चलाने वाला हूँ, तो प्रतीक भाई मैं उन दोनों की बाइक चेंज करते रहेंगे, क्योंकि प्रतीक भाई के चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मेरे पास कुछ सभी है नहीं। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस और सब सारी चीज़ें पसंद आए और आप मुझे इतना ही प्यार बांटें जितना प्रतीक भाई उन लोगों को बांटते हो। और हाँ, एक अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भाई साहब सर्च पास खुल चुका है। हमारा प्लान था नहीं सर्च पास हमको लास्ट में करना था, क्योंकि सर्च पास अभी तक खुला हुआ नहीं था, बट जो अभी सर्च पास खुल चुका है तो हम जा रहे हैं डेलहाउसी। और डेलहाउसी से पहले हम करेंगे सर्च पास, क्योंकि लोग हमेशा लास्ट में करते हैं, बट हम करेंगे हार्ड रास्ते से और जाएंगे सॉफ्ट रास्ते तक। ठीक है भाई, तो मैं आपको वीडियो दिखाता रहूँगा, रास्ते में हम लोग बातें करते रहेंगे। तो पहुँच गए अम्बाला हरियाणा। सो आई थिंक हमने सुबह से 110 किलोमीटर तक तो कवर कर ही लिया है। अब जाना है, हम जा रहे हैं चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे, पटना लुधियाना उस तरफ जाना है। ओके, तो हम चले चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ जाके बस यही प्लान है कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे। सो अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, खाना पीना हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ की गर्मी एकदम अलग टाइप की दिखती है, क्योंकि अगर साउथ में होते तो वहाँ पे स्किन बर्न बहुत होती है, तो वहाँ की गर्मी स्किन बर्न करती है, और नॉर्थ में आओ तो आपको पसीने से गर्मी ज़्यादा लग जाती है। सो अभी जा रहे हैं, देवू भी रिकॉर्डिंग ही कर रहा है। नहीं नहीं चलेगा, अच्छा हटा नहीं है, हटा देते हैं। हाँ तो अभी टोटल 372 किलोमीटर कंप्लीट किए और अभी आराम से चल जाएगी 30-40 किलोमीटर्स। ब्लिंक होना चालू हो गया तो हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। देखते हैं, ये थी ऑन रोड बाइक एवरेज और आगे हमको मिलेगी ऑफ रोड बाइक एवरेज। यही सब आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हम आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में। सो अभी सीन ये है कि हम लोगों को जाना है कांगड़ा एक बाइक की सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि भाई साहब ये बाइक एकदम नई है। जब ओडोमीटर 0 पे था तब हमको दी हुई है और चल चुके है 461 किलोमीटर। सो अभी बाइक का काम आ चुका है सर्विस का, सो अभी वहाँ पे वो एक घंटे में हमको सर्विस ऑयल चेंज और चेन लुब्रिकेंट करके हमको दे देंगे, और जैसे ही वो देते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे डेलहाउसी। सो अभी तो हमने हिमाचल एंटर ही किया और हमको इतने प्यारे प्यारे व्यूज दिखने लगे और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। सो बस यही तो मज़ा है राइड का। रास्ते कुछ इतने खास अच्छा नहीं है, बट व्यू काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हैं। आप भी मतलब सोच ही लो कि दिल्ली की गर्मी, दिल्ली से आए हम लोग पानीपत, वहाँ भी गर्मी थी, पानीपत से हम लोग गए चंडीगढ़, वहाँ भी गर्मी थी। चंडीगढ़ से जा रहे हैं हम डेलहाउसी, तो आधे रास्ते तो गर्मी ही थी, बट जैसे ही हमने हिमाचल प्रदेश एंटर किया भाई साहब मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा है, धूप है, बट
धूप फील ही नहीं हो रही है, जो भी पसीना था सब सूख चुका है। पुल बहुत ही प्यारा, आप दूर दूर तक देख सकते हो पानी दिख रहा है। वहाँ पे पानी तो इतना नहीं है बट फिर भी पता नहीं तो वहाँ पे मतलब यही है कि हम पहाड़ों में तो आ ही चुके हैं और काफ़ी सारे मज़ा आ गया। बट यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक आ जा रहा है और बहुत सारा ट्रैफिक, अगर रुक भी गए तो इतनी स्पेस नहीं होगी कि कार जा सके। देखो बहुत पुराना ब्रिज है, पता नहीं क्या खास दिखा, बट ये वो ब्रिज है जो आपको ले जाएगा पहाड़ों में, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करवाएगा ये जो ब्रिज है। सो भाई लोग, ये है हमारी सचपास की पहली टनल और रेव कर रहे हैं। सो सचपास से निकले हुए हमको पहली टनल मिली है। सो यही हालत हो चुकी है अभी बाइक की, देख ही सकते हो। सो अभी आ चुके हैं यामा रेसिंग में, यहाँ पे हमको देनी है बाइक सर्विस में, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला था बाइक नहीं है, बहुत ज़्यादा भी चली हुई है नहीं, तो फिर वही समझ। MT-15 का कॉल आया होगा, दिल्ली से निकले हैं, गई थी। कितना टाइम लगेगा सर? देखना पड़ेगा, मोस्टली मैं रेफरेंस बोल के करवा देता हूँ सब, इसमें ही बात होगी। नहीं जल्दी हमको निकलना है आगे, बैग निकालनी है कि चलेगा? हाँ आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। नहीं 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 जल्दी करवा लेना। अभी यहाँ से कांगड़ा से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया क्योंकि हमने दी थी बाइक सर्विस में, तो बाइक सर्विस होके आ चुकी है, एकदम बढ़िया सी उछल रही है, उन लोगों ने आधे घंटे में सर्विस करके दे दी। सो मैं आपको दूर से ये नज़ारा दिखा रहा हूँ क्योंकि पास जाते जाते आई थिंक अंधेरा होने वाला है, आई थिंक शाम के अराउंड 5 बजने को आए हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग डेलहाउसी जा रहे हैं और वो सारे हैं डेलहाउसी के पहाड़। सो हमको वहीं कहीं जाना है और अभी डेलहाउसी हमारे से रह चुका है, अभी डेलहाउसी है हमारे से दूर 110 किलोमीटर्स, एंड आई होप कि नेक्स्ट हम 3 आवर्स में कवर कर ले। सो अराउंड हम लोग पहुंच जाएंगे 10:30 तक, तो डेलहाउसी पहुंच ही जाएंगे और वहां पे ऑलरेडी प्रतीक भाई ने कैंप साइट बुक करके ही रखी है, तो हमको जाके वहां पे थोड़ा रेस्ट करना है और सुबह 4 बजे हमको निकलना है। कहां निकलना है मैं अभी नहीं बोल रहा, कल वो आप लोग के सरप्राइज होगा, और क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ही प्यारी जगह है और आप लोगों को बहुत ही प्यारी जगह देखने को भी मिलेगी। यहाँ पे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है हमको जिसका नाम है निखिल, प्रतीक भाई का बहुत ही खास दोस्त है, और बहुत ही खास दोस्त है प्रतीक भाई का, और वो है तो हिमाचल प्रदेश का ही, और भाई के पास है ड्यूक 200 पूरा सामान से भरी हुई है। अच्छा वही कि वो हमारे साथ 3-4 दिन रुकेगा और हमको पूरा हिमाचल जितना भी घूमना है वो सब घुमाएगा। सो कल हम लोग जा रहे हैं बहुत ही प्यारी जगह पे, जो मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको कल ही पता चलेगा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कि हमारा Day 2 स्पीति में कैसा है। सो हमारा ये अभी स्पीति ट्रिप का पहला ऐसा ऑफ रोडिंग होगा जो हम हिमाचल में कर रहे हैं। देख ही सकते हो वहाँ पे ब्रिज टूट गया है और पूरा बना रहा है, तो आई थिंक पानी की वजह से ही वो हुआ होगा। झाड़ आ रहे हैं तो गाइस। सो यू आर चिल पीपल, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेलहाउसी, ये है हमारे कैंप्स। सो अभी आई थिंक बज रहे रात के कितने? 2 बजे 3 रात के बज रहे 3, हम जा रहे हैं सोने। प्लान तो यही है कि सुबह उठना है 8 बजे और अभी तो कोई हाईवे हमको मिलने ही नहीं वाला है, तो भाई ऑफ रोडिंग करेंगे पूरा। यहाँ पे हो रहा है 6 डिग्री टेम्परेचर,
नहीं सॉरी 16 डिग्री टेम्परेचर और सच पास पे है -1 और अभी ही मतलब 16 डिग्री में फट रही है तो भाई -1 में क्या हालत होने वाली है। सो एक्साइटेड, देखते हैं क्योंकि अभी जो निखिल आया उसने तो भाई साहब वीडियो दिखा दिखा के मतलब मार ही डाला है, तो भाई ऑलरेडी वो हालत ख़राब हो चुकी है। सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं कल ही बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाले हैं, क्या है, क्या सीन है। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट चिल पीपल, होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो भाई लोग कर ही दो यार, अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है।